आज बहुत खेले यार, खेल खेल के पूरा पेट खाली हो गया। क्यों? पेट में रखा सामान कहीं गिर गया क्या छोटे भाई? अरे गधे, बनी के कहने का मतलब है बहुत जोर की भूख लग रही है, कोई शक? मुझे पता था तुम्हें खेलने के बाद बहुत भूख लगेगी, इसलिए मैंने तुम्हारा नाश्ता पहले ही तैयार कर लिया था। ये देखो। मैडम आप अच्छी नहीं है। मेरा मतलब है आप अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी महान है। थैंक यू बनी। अरे ये क्या, इस दूध में तो सिर्फ पानी का टेस्ट आ रहा है, पानी का, इसमें तो दूध है ही नहीं। दूध का टेस्ट नहीं है, क्या बात कर रहा है बनी, मुझे दिखा, मैं बताता हूँ। समझ नहीं आया, थोड़ा और पी के देखता हूँ। अनी अगर बनी के लिए रखा दूध तू पी जाएगा तो बनी क्या पिएगा? पीले अनी पीले, वैसे भी मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ आज दूध का टेस्ट कुछ अलग है। हनी बनी कर रहे हैं बैड मंकी को चेस। सुल्तान का बेटा बैड मंकी। पाव कूल पावर अप्स एंड यूज बूस्टर्स टू बीट बॉस इन दिस फाइट। एन ऑल न्यू एडवेंचर अवेट्स यू इन हनी बनी का झोमा द क्रेजी चेस। ब्रांड न्यू गेम, डाउनलोड नाउ ओनली ऑन गूगल प्ले स्टोर। क्या हुआ बनी, क्या तुम्हें नए दूध वाले का दूध पसंद नहीं आया? नया दूध वाला क्या हुआ हमारे पुराने टेस्टी दूध को? देखो पुराने दूध वाले ने दुकान बंद कर दी, इसलिए नए दूध वाले से दूध लिया है। दुकान बंद कर दी, ऐसे कैसे? पुराना वाला दूध मेरा फेवरेट दूध था। चलो दोस्तों हमारा पुराना दूध लाने। हाँ चलो चलो। मैडम पुराने दूध वाले का नाम क्या है? पूछना क्या है बनी? पुराने दूध वाले का नाम पुराना है, पुराना दूध वाला है ना मैडम? उसका नाम जो भी हो लेकिन तेरा नाम बेवकूफ ही होना चाहिए। हनी पुराने दूध वाले का नाम पुराना नहीं, मंगीलाल उत्साहीलाल दूध वाला है। हाँ क्या? मंगीलाल उत्साहीलाल दूध वाला। हाँ ये लो एड्रेस। मैडम नए दूध वाले का नाम क्या है? मांगीलाल से बेहतर दूध वाला। इसका भी सेम नाम है। नहीं हनी सेम नहीं है, उसका नाम है मांगीलाल से बेहतर दूध वाला। हो इतने सारे मांगीलाल सुनकर मुझे चक्कर आ रहा है। ये रही दुकान। अरे ये क्या, यहाँ तो दूसरी दुकान है। आइए ये साहिबान कदरदान मेहरबान, बताइए बताइए क्या लेंगे आप? दूध मलाई पनीर मामा, बताइए बताइए क्या लेंगे आप? बता क्यों नहीं रहे आप, बताइए बताइए क्या मैं करूँ आपके लिए, बोलिए। अरे बोलने देगा तो बोलेंगे ना, कोई शक? यहाँ तो वो मंगीलाल उचकूलाल की दुकान थी ना। उचकूलाल नहीं उत्साहीलाल। हाँ वही मंगीलाल उत्साहीलाल, वो दुकान कहाँ गयी? वो तो कल नहीं परसों नहीं उस दिन, अरे वो तो बंद हो गई और झप्पी की दुकान मंगीलाल से बेहतर दूध वाला आ गई। बंद हो गई? ऐसे कैसे बंद हो गई? अरे उसकी गाय का सारा दूध खराब हो गई, इसके लिए उसकी दुकान बंद हो गई। अरे अचानक से सारा दूध खराब कैसे हो सकता है, हम तो सालों से उनकी दुकान का दूध पीते आ रहे हैं। वो नमक नहीं नहीं शक्कर नहीं मिर्ची, अरे वो मुझे नहीं पता लेकिन एक बात जरूर बताता हूँ, झप्पी की दुकान उनसे बेटर है। ये लो ट्राई करो। नहीं आपका दूध बेहतर नहीं है, मैं तो कहता हूँ आपका दूध दूध ही नहीं है, पानी है पानी। सही बोल रहा है बनी। दोस्तों हमें पता करना होगा कि अचानक मंगीलाल जी ने दुकान बंद क्यों कर दी। जप्पी जी क्या आपको पता है मंगीलाल जी का घर कहाँ है? वो आगे से दाएं, नहीं नहीं आगे से बाएं, अरे नहीं नहीं वो तो जप्पी को नहीं पता। चलो दोस्तों हम खुद मंगीलाल जी का घर ढूंढेंगे। सुनिए क्या आपको पता है कि मंगीलाल उत्साहीलाल का घर कहाँ है?
बनी तू पेट से भी आवाज निकाल सकता है, मुझे भी सिखाना छोटे भाई प्लीज। बनी की तरह तू भी खाना बंद कर दे, फिर तेरे भी पेट से आवाजें आएंगी। कोई शक? काम ढूंढ रहा है हम दोनों। हमार बायोडेटा ले ली ना सरकार। खाया हुआ चारा 3 गट्ठे, निकाला हुआ दूध 20 लीटर, सोने का टाइम 10 घंटे, हॉबीज नाचना और गाना। पहले कहाँ काम किया था? मंगीलाल उत्साहीलाल दूध वाला। दोस्तों धन्नो और छन्नो तो पहले मंगीलाल जी के यहाँ काम करती थी। क्या बात क्या बात क्या बात। धन्नो और छन्नो, क्या आप हमें मंगीलाल जी के पास लेकर जा सकती है? उनकर दुकान तो बंद हो गई सरकार, पर हम आपको उनके घर ले जाते हैं। हाँ ले चलो ले चलो, इससे पहले कि बनी भूख से बेहोश हो जाए, जल्दी से ले चलो। पहले मंगीलाल जी बहुत उत्साहित रहे, पर अब बहुत उदास हो गए हैं सरकार। लो जी, मंगीलाल जी का घर आ गए जी। मंगीलाल जी, मैं बनी हूँ बनी। और मुझे आपके दूध की बहुत जरूरत है, वरना मैं गिर जाऊंगा। अरे ये दूध तो खराब हो चुका है। क्या बताऊं बेटा, कुछ महीनों से मेरा सारा दूध ऐसे ही खराब हो रहा है, इसीलिए मुझे अपनी दुकान भी जप्पी को बेचनी पड़ी। लेकिन सारा का सारा दूध खराब कैसे हो सकता है? अब पता नहीं बेटा, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। दोस्तों मुझे दूध में जरूर कुछ पानी लग रहा है। मतलब? अरे मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हमें गड़बड़ ढूंढने के लिए मंगीलाल जी की मदद करनी चाहिए, चलो। पोपट पोपट, ये गड़बड़ कैसी दिखती है, कहाँ मिलेगी? गड़बड़ तेरे दिमाग में मिलेगी गधे। गुस्सा क्यों हो रहा है पोपट? अरे पोपट लाइट चली गई। यहाँ कितना फनी। अरे वाह, लाइट फिर से आ गई। इस बर्तन का स्वाद तो बहुत खट्टा है। अरे इस बर्तन से तो नींबू की खुशबू आ रही है, इसे नींबू की शक्ति वाले साबुन से मांजते होंगे ना, कोई शक? नहीं जी, दादाजी मिट्टी से बर्तन बनावत है, वैसे भी नींबू से दूध खराब हो जाता है जी। क्या? बनी अब तो मुझे भी दूध में कुछ पानी लग रहा है। मतलब? मतलब दाल में कुछ काला लग रहा है। हाँ हमें सारे दूध के बर्तनों की जांच करनी चाहिए। बनी इस बर्तन से भी नींबू की खुशबू आ रही है। इससे भी आ रही है। अगर मंगीलाल जी इतना ध्यान रखते हैं कि नींबू वाला साबुन भी यूज नहीं करते, तो इसका मतलब है कोई और मंगीलाल जी के दूध को खराब करने के लिए बर्तनों में नींबू मिला रहा है। हमें उसे पकड़ना होगा, कोई शक? मगर कैसे? वो जो भी है रात में आकर चुपचाप बर्तनों में नींबू लगाता होगा, हो सकता है आज रात भी आए। आइडिया। पकड़ो बदमाश को, पकड़ो। पकड़ लिया पकड़ लिया। अरे गधे मुझे नहीं, बदमाश को पकड़। रुक जा। धन्नो छन्नो अटैक। या
अरे अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। अरे देखो तो सही, झप्पी। हाँ झप्पी। तुम मंगीलाल जी का दूध क्यों खराब करते हो? इतने दिन से दुकान खोली है, सुबह से शाम तक कोई आता और क्या करता मैं? अरे मुझसे कोई दूध ही नहीं खरीदता था। सब सर्विस मंगीलाल से दूध खरीदते हैं, इसलिए रोज उसके दूध में नमक नींबू डाल के खराब कर देता हूँ मैं, जिससे कि वो कभी वापस दूध ही ना बेच पाए। समझ गया, अब तुम जेल में दूध बेचना। थैंक यू बच्चों, तुम सबने मुझे इस मुसीबत से निकाल लिया। मंगीलाल जी ऐसा मत बोलिए, हमें भी तो आपकी ही दुकान का दूध पीना था। ये लो बेटा, तुम्हारे लिए नए बर्तन में दूध लाया हूँ। मजा आ गया। तुम्हारी वजह से अपनी पुरानी दुकान पर वापस जा सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें साल भर का मंगीलाल उत्साही लाल का दूध फ्री। ये!